गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? हम भी अच्छे ही हैं। एडवांस स्कूल ऑफ मैथ एंड साइंस एंड सरदार पटेल सुपर 30 कक्षा 10th के लिए, यानी C10 मैथमेटिक्स चैप्टर 01 पार्ट 03 एपिसोड 03 हिंदी मीडियम लेकर अभी 10:43 हो रहा है रात का, और आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हमारी मकसद, हमारी सोच। चलिए, हम लोग पिछले क्लास वाले तो सारे क्वेश्चन में बनवा दिया था। अपर में संख्याओं का रिवाइज, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं भाई पुनः भ्रमण। अप्रमेय संख्या 9 क्लास में तुम लोग पढ़ा है, पता है क्या पढ़ा है आपको? अप्रमेय संख्या और उनके गुणों की परिचित कराया गया था 9th क्लास में, आपके इनके अस्तित्व के बारे में अध्ययन किया था, यह देखा था कि किस प्रकार प्रमेय संख्या अप्रमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या बनती है। आपने ये भी सीखा था कि संख्या रेखा पर किस प्रकार से अपरिमित संख्या को निर्धारित किया गया। हमने ये भी सीखा, सिद्ध नहीं किया था कि यह संख्या अपरिमित संख्या है। इस अनुच्छेद से हम यह सिद्ध करेंगे कि √2, √3, √5 तथा व्यापक रूप में √p अपरिमित संख्या है, जहां पर p अबाध्य संख्या हो। अपनी उपपत्ति में हम जिन प्रमेयों का प्रयोग करेंगे उनमें से एक अंगणितीय आधारभूत प्रमेय होगा। वह आधारभूत प्रमेय क्या है, इसके बारे में जानना पहला थ्योरम है। थ्योरम नंबर 1, अच्छे से सुनना। मान लिया कि पी एक अभाज्य संख्या है। यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए को भी विभाजित करेगा। यहां ए एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी पैक्कली सोच के देख मेरे भाई, पी 3 है और ए स्क्वायर किसी का 9 है। अगर वह 3 उसको काट रहा है तो ए को भी काटेगा। यह बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, यही तो हम समझाना चाह रहे थे। आप लोग ने समझ गया, हमें बहुत अच्छा लगा। अब यह बात को समझने में अब थोड़ा मैं इस पर थोड़ा थेसिस दे देता हूं कि मान लीजिए कि ए एक अभाज्य गुणनखंड है। निम्नलिखित रूप में ए बराबर P1, P2, .. PN तक लिख सकते हैं, और P1, P2, PN अभाज्य संख्या है, परंतु आवश्यक रूप से भिन्न भिन्न नहीं है। जैसे ए स्क्वायर की बात करें तो वहां पर वो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कुछ जो करना है कर लीजिए सर। तो यानी कहने का सेंस, ये बात को तुम समझ गए हो, अब यहां पर कोर प्राइम नंबर का डिफिनेशन ए अपॉन बी के फॉर्म में हो और ए और बी का एस से अपॉन हो। यानी कुछ क्वेश्चन को मैं बोल देता हूं, √3 एक अपरिमेय संख्या है,
कैसे बनाओगे सोच लो। आइए हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि रूट थ्री एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या रहेगा तो ए और बी के बीच में लिखा जा सकता है, दोनों तरफ दे दो तो ए बराबर बी रूट थ्री हो गया। दोनों तरफ को वर्ग कर देने पर यहां पर ए स्क्वायर इक्वल टू थ्री बी स्क्वायर हो गया। और तुम्हें पता है कि ए क्यू अगर तीन से विभाजित है तो ए भी तीन से विभाजित होगा, यानी दोनों अगर तीन से विभाजित हो रहा है, ए बराबर थ्री सी माना है, सी एक पूर्णांक है, तो थ्री बी स्क्वायर इज टू ए स्क्वायर, यानी थ्री बी नाइन स्क्वायर इन बी स्क्वायर इज टू थ्री स्क्वायर, यानी यह उससे डिविजुअल है इसलिए वह उभयनिष्ठ है, इसलिए वह अपरिमेय संख्या भी कर। परंतु इस तथ्य को विरोधाभास प्राप्त करने के लिए ए और बी को सह अभाज्य संख्या होना चाहिए। यहाँ रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। अब निष्कर्ष निकाले कि रूट थ्री भी एक परिमेय संख्या है, तो यहां तक आप लोग बना लिए हैं। 10 नंबर एग्जाम्पल से दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो लिखोगे 5 एक परिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है। और हमारा हो सकता है कि पूरा साफ सुथरा करके रखा हुआ है तो वो चीज को आप कर सकते हैं, यानी 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या का है, यह बात को जानना जरूरी है। क्योंकि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या को जोड़ते हो, घटाते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, ये सारे केस में तुमको अपरिमेय संख्या ही देगा। अब बात हम करेंगे 3√3 एक अपरिमेय संख्या, बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि 3 तो आपका परिमेय ही, √2 दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, ये हमेशा होता रहेगा। एक्सरसाइज 1.3, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या, आराम से प्रूफ कर दोगे। सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो बोला कि एक परिमेय संख्या 3 है, अपरिमेय संख्या 2√5 है, परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर अपरिमेय होता है, खेला हो गया। अगर एक समान के भी बनाना चाहोगे तो तुमसे बनेगा 1/√2, यहां 7√5, तो हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज हो गया है। कल फिर हम लोग मुलाकात इसी के चैप्टर को लेकर